उत्तर प्रदेश राज्य में भारी बहुमत से भाजपा की जीत होने की खुशी में अनाज मंडी गुरुग्राम जनसेवा यूपी एकता मंच के संस्थापक अमित कुमार इटावा, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष बजरंगी भाई, उपाध्यक्ष डीपी सिंह, कोषाध्यक्ष मुकेश सुरेंद्र, विष्णु राजू भाई, पंकज तिवारी, कमल शर्मा, सूर्या सिंह, बनवारी लाल शर्मा, डॉक्टर युगल किशोर उपाध्याय, गिरीश चंद्र, एमके मौर्य मीडिया प्रभारी, रंजीत सिंह सहारा क्लिनिक, मोहित यतेंद्र, गोपाल प्रसाद शर्मा, सुरेंद्र सिंह बघेल, अनिल चौहान, मुकेश गुप्ता, हनी सिंह, संजू कलान मुख्य अतिथि, भाई नवीन गोयल प्रदेश प्रमुख पर्यावरण संरक्षण विभाग भाजपा हरियाणा, भाई नीरज यादव बीजेपी, गगन गोयल, दिनेश प्रधान, वीरू भाई बिल्लू यादव एवं समस्त जनसेवा यूपी एकता मंच के सदस्य गणों ने ढोल नगाड़ों के साथ फुल अबीर उड़ाकर होली की शुरुआत की और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी जाहिर करी। श्रमिक भाई भी हैं, मजदूर भाई भी हैं, आप लोगों के अंदर दिमाग भी है, बड़ी बड़ी कंपनीज के एचआर सीईओ भी आपके लोग हैं और आप लोगों की गुड़गांव की तरक्की में आपका पूरा योगदान है और आप लोगों के लिए आपके हकों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं भी आपके परिवार के सदस्य की तरह हमेशा तैयार रहूंगा, कभी भी याद कर लेना और आप लोग हमेशा हमारा भी साथ देते हैं और एक ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन गई, ऐसा परिवार बन गया है और आज यूपी की जीत हो रही है। तो साथ ही साथ आपसे निवेदन भी करना चाहता हूं, मैं अमित भाई को भी कहा था उस दिन मीटिंग में भी, प्यार करने का तो वक्त खत्म हो गया है, बहुत प्रचंड बहुमत से बुलडोजर चल पड़ा है और साइकिल टूट गई है। देखिए, किसी ने इतना अनुमान नहीं लगाया था पीछे कहां जा रहा कि उत्तर प्रदेश 20 करोड़ लोगों का देश, सबसे बड़ा प्रदेश, जहां पर सुशासन के नाम पर, जहां पर गरीब परिवारों को राशन मिलने के नाम पर, हर घर वैक्सीन मिलने के नाम पर, पूर्वांचल जैसे एक्सप्रेस वे मिल बनने के नाम पर, तीन तलाक जैसे कानून खत्म होने के नाम पर और बहन बेटियों के सुरक्षा के नाम पर बहुत बड़ा प्रचंड बहुमत आप सब ने, यूपी की आवाम ने दिया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और साथ ही साथ मणिपुर, गोवा और उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। देखिए, ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि देश की जनता विकास चाहती है, देश की जनता सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा चाहती है, काम चाहती है और अब गुंडों का समय नहीं है और ना गुंडों का समय कभी आएगा, आएगा भगवान। तो उसमें जो ऑब्जेक्ट था, जो कल से अमित भाई, बजरंगी भाई, सब लोग, आपकी पूरी यूपी एकता मंच के सभी साथी जो सोच करके सोए थे, वो आज हमारी पूरी हो गई है। 270 के करीब सीटें आने जा रही हैं और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं, ये गगन भाई, हमने भी बागपत में लगातार काम किया और हर गांव में जाकर, हर एक बूथ में जाकर, हर एक गली कस्बे में जाकर, हर एक पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, हर एक सरपंच के पास, हर एक चेयरमैन के पास, हर एक दलित भाई के पास, हर एक महिला शक्ति के पास जाकर हमने भी वोट मांगे और लोगों ने हमें भी आशीर्वाद दिया। सिर्फ एक राउंड की गलती होनी बागपत में बाकी है, जहां पर ये कह रहे थे कि छेतरवाद चलेगा, जातिवाद चलेगा, वहां भी कमल खिलने जा रहा है। वहां का कैंडिडेट योगेश धामा भी 2000 वोटों से जीतने जा रहा है। देखिए,
ये गुरुग्राम जो शहर है, यूपी की जीत से आप लोगों का भी हौसला और ज्यादा बुलंद होगा। जिस सोच के साथ आप यहां पर रहने लग रहे हो, परमपिता परमात्मा से, माता शीतला से प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छा कमाएं, स्वस्थ रहें, और जो आपने मंच का नाम रखा है एकता मंच, मैं सबसे पहले तो सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं। और आज 10 मार्च को, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 10 मार्च को हम होली मनाएंगे, तो आज गुरुग्राम में हम यूपी एकता मंच के साथियों के साथ 4 स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत के खुशी में हम सब होली मना रहे हैं। और हम कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं सभी मतदाताओं का, सभी कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने खून पसीने की कमाई के साथ मिलकर, खून पसीने के साथ मिलकर एक बहुत प्रचंड बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई है। और उसी कड़ी में हमें भी बागपत में काम करने का मौका मिला। हमने वहां पर देख लिया था कि लोग सुरक्षा के नाम पर बहन बेटी की जो रात को 12 बजे 1 बजे भी निकलने में कोई डर योगी जी की सरकार में नहीं हुआ। सुशासन के नाम पर, विकास के मुद्दे पर, और मैं कहना चाहता हूं कि हर घर को राशन मिला, हर घर को वैक्सीनेशन हुई, और तमाम ऐसे मुद्दे, पूर्वांचल जैसे एक्सप्रेसवे बनने के नाम पर जो लोग भ्रमित कर रहे थे कि साइकिल चलेगी, पता नहीं क्या क्या है, किस किस तरीके से गुमराह करने का काम कर रहे थे, लेकिन यूपी की जनता ने मन बना लिया था। और आज बताते हुए खुशी हो रही है कि जिन रुझानों में 275 के आसपास आ रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि और इसमें कुछ ना कुछ इजाफा ही होगा। और आज ये साबित हो गया है कि देश की जनता नरेंद्र भाई मोदी के ऊपर विश्वास करती है। जैसे देश की जनता, योगी जी का जो बुलडोजर चला है, देश की जनता सुरक्षा चाहती है, विकास चाहती है। देश की जनता गुंडों के अंदर विश्वास नहीं करती और ना कभी आगे करेगी। ये जब नाम कोई एक आदमी नहीं रखता जी। नाम तो देखिए, जब से डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी, उत्तर प्रदेश के विकास के आयाम खुल गए। लोगों ने दोबारा इतना जबरदस्त तरीके से प्रचंड बहुमत से मैंडेट दिया है, और जब बुलडोजर बाबा का चला है, तो इस बात में कोई दोराई नहीं है कि साइकिल ध्वस्त हो गई है। और इसी तरीके से बाबा का बुलडोजर चलता रहेगा। जो लोग गायें को काटने वाले लोग थे, जो लोग गुंडागर्दी करने वाले लोग थे, जो लोग धर्म जाति के नाम पर भड़काने वाले लोग थे, जो लोग उपद्रवी थे, जो लोग धमकियां देकर के अपहरण, लूट, कब्जा जैसी राजनीति वहां पर करते थे, उनके ऊपर बुलडोजर ऐसा चल गया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 5 साल बाबा के राज में वहां पर कोई ऐसा पंछी भी पर नहीं मारेगा, और ऐसी ताकतें कभी दोबारा ऐसा सोचने का कभी मन भी नहीं बनाएंगी। और मैं यूपी एकता मंच के साथियों का इसलिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने उत्तर प्रदेश में जाकर भी वोट किया, और ये लोग हमारे सभी साथी गुरुग्राम के अंदर भी, गुरुग्राम के विकास के लिए भी हमेशा योगदान देते हैं। तो आज लड्डू बांट करके हम सब ने खुशी बनाई है। आप सबको, मैं सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। 2024 देखिए, अब मुझे लग रहा है कि ये प्रश्न पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं आई है। उसी तरीके से डबल इंजन की सरकार हरियाणा में दोबारा वापसी करेगी। आज पिछले 7 सालों में 7 साल 7 कमाल देखिए, योगी जी और मनोहर लाल जी की, मोदी जी की और मनोहर लाल जी की जोड़ी बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। कल ही नितिन गडकरी जी गुरुग्राम के पावन धरा पे आए थे। किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली बम्बई का रास्ता 12-13 घंटे में हो जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था कि दिल्ली कटरा 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। किसी ने नहीं सोचा था दिल्ली जयपुर 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दोबारा देश के अंदर प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने का रास्ता क्लियर हो गया है। और जब सरकार मोदी जी की बनेगी, तो माननीय मनोहर लाल जी की तो सरकार दोबारा स्टेट में बनेगी, ऐसा मेरी पूरी। मैं राजकुमार खबर हरियाणा से हूँ। आज 4 राज्यों में प्रचंड जीत। देखिए, जो पार्टी का फैसला होगा तो सब बाद की बात है। मैं तो गुरुग्राम के अंदर ही सभी लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ, जैसा यूपी एकता मंच नाम है, हमेशा मिलजुल करके रहें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, अपने घर को भी चलाएं और समाज की जिम्मेदारी को भी निभाएं, अपने आसपास सफाई रखें, पर्यावरण का ध्यान रखें, ट्रैफिक रूल्स का पालन करें,
और जैसी जैसी सामाजिक जिम्मेदारी हो, अपने आसपास कोई आदमी बिना शिक्षा के हो, कोई बिना अच्छे स्वास्थ्य के हो, कोई रोजगार के हो, तो उसके एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ाएं, हमारे जैसे लोगों से या जो लोग जिस सब्जेक्ट में काम कर रहे हैं उन लोगों तक उनको पहुंचाएं, ताकि गुरुग्राम के अंदर कोई भी आदमी भूखा ना सो सके, कोई भी आदमी बिना कपड़ों के ना सो सके, कोई भी आदमी बिना शिक्षा के ना रह सके, और जिस मंडी में हम खड़े हैं इस मंडी का भी अच्छा स्वरूप हो। इसको लेकर के मैं ये जो जितने भी भाई हैं जो सब्जी मंडी में काम करते हैं, इनको लेकर के कृषि मंत्री से मिलवाने का काम करूँगा।